लगती अमरूद के जैसी है बिल्कुल। और ये करेला, करेला मतलब ये हाँ वो तीता है, ये तीता नहीं है, मतलब वो थोड़ा ये तीखा हाँ। कड़वा कड़वा है, ये कड़वा नहीं, ये कड़वा नहीं। ये कैसे बनते हैं, डीप फ्राई करके? फ्राई। अच्छा, और ये वाली ये तो तोरी है, ये वाली ये आपका वाटरमेलन पीठा जो बनता है ना, पेठा। अच्छा, और ये लंबी लंबी ये तो लौकी, लौकी इतनी बड़ी है ना यहाँ पे, यहाँ में बड़ा होगा, जैसे हमारे पंजाब में तो काफी छोटी छोटी छोटा छोटा हाँ, जैसा ये साइज है आपको पंजाब में तो इसे थोड़ा छोटा छोटा हाँ, इससे ये अगर होगी तो वहाँ पे बड़ी बोली जाएगी कि बहुत बड़ी है, तो ये तो बहुत यहाँ में बड़ा होता है ये वाली। और ये क्या है, वो कौन है? ये आपका बनाना का ये। अच्छा, बनाना फ्रूट है, फूल है, फूल। अच्छा हाँ, फ्लावर होता है, तो इसकी भी सब्जी बनती है हाँ। इसको आप फ्राई बना के खाएंगे, मसाला वसाला देके बढ़िया है। अच्छा, खाने में वो जैसे नॉन वेज का टेस्ट हाँ, हाँ, वैसे आएगा ना। ये कैसे किलो है? 80 रुपये किलो। अच्छा, ये दे दो मुझे थोड़ी सी, ठीक 20 रुपीज़ की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ भारती। तो आज हम लेने आए हुए हैं बाहर सब्जी, तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग सी सब्जियाँ हैं, और देखने में मतलब कि लगता फ्रूट है लेकिन होती सब्जियाँ। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी अचानक से, तो यहाँ पे हमेशा बारिश रहती है, तो कब बारिश आ जाए पता ही नहीं चलता। तो धूप निकली हुई थी जब हम आए थे, फिर बाद में अचानक से बारिश आ गई। तो अभी हम ये जो हेलमेट है वो भी मेरे लिए हस्बैंड लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों को जो बोलने से क्या है हाँ। कि हमें घर मिलता नहीं है हाँ। घर का प्रॉब्लम है, ये Sometimes I get so mad, there's no control in me. तो अभी हम आए थे यहाँ पे शिलोंग के बस स्टैंड के पास, कोई एग्जीबिशन टाइप लगा हुआ था उसको देखने, उसकी काफ़ी एड लगी हुई थी। और यहाँ पे एक पोलो स्टेडियम है, तो वो हस्बैंड मुझे दिखाने लेके आए थे, तो इसी के साथ ये एग्जीबिशन लगी हुई है। और बारिश में भीगते भीगते हुए हम आए थे, और बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ लग रहा था, क्योंकि हिल एरिया है और हिल्स पे जो घर है उनकी जो लाइट्स हैं अभी ऑन हो चुकी थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो आप वीडियो में देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये सामने एग्जीबिशन लगी हुई है, यहाँ पर अलग अलग स्टेट से, पता नहीं या फिर राजस्थान से ये केले, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान जो है बिक रहा था, लेकिन था सारा कुछ कॉस्टली, क्योंकि पंजाब में बहुत कम रेट पे मिलता है, तो हमने कुछ नहीं लिया। तो जैसे चीज़ अगर कोई 50 की है तो उसको 150 की यहाँ पे दे रहे थे।
तो यहाँ की इन्होंने एंट्री फीस भी रखी हुई थी 20 रुपीज़ पर पर्सन। और ये जो पॉट्स हैं, यही वाले मैं बात कर रही थी, जो मेरे पास 50 रुपीज़ का मैंने लिया था, वो यहाँ पे 150 का था, और उसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे कॉस्टली है। और बर्गर खाया हमने, वो भी अच्छा नहीं था कुछ खास, वेज बर्गर था, पूरा का पूरा खुला हुआ बर्गर था। पता नहीं किस तरह से उन्होंने बीच में सॉसेज वगैरह ज़्यादा डाली हुई थी, तो अलग सा ही टेस्ट कुछ आ रहा था। और बाकी सब ठीक था, अच्छा था, घूम के मज़ा आया। काफ़ी सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट, यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम, बेड, फर्नीचर, सब कुछ था। और कपड़े भी थे, या ज्वेलरी की बात करें तो वो भी थी। और अभी हम निकल पड़े थे घर के लिए, और जो रास्ते थे बहुत ही ज़्यादा भयानक टाइप के थे, मतलब कि ज़्यादा थोड़ा सा ऊंचा, कोई नीचा इस तरह से था, डाउन अप डाउन ऐसे था। तो मैं तो एक बार गिरने भी लगी थी, क्योंकि हमारे पास सामान भी था। और तो अभी यहाँ घूम फिर के हम आ गए थे पुलिस बाज़ार में, क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। और जो पुलिस बाज़ार है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और लेकिन क्राउडेड बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को है, लेकिन क्राउड जाना ज़्यादा होने की वजह ज़्यादा हम घूमे फिरे नहीं, तो हम घर पे आ गए थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, जाम जो है ट्रैफिक। तो ये है शिलोंग का वी मार्ट। तो वैसे तो शिलोंग में बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन जो वी मार्ट है उसमें काफ़ी चीप रेट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग जो है किचन की थी, तो 119 में आप देख सकते हो कुर्ते हैं, लेकिन मुझे कपड़ों की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। अभी तो हम घर का जो सामान है वही खरीद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और नई जगह पे आना और नई नई चीज़ें लेने में बहुत, क्योंकि घर से हम कितना ला सकते थे, तो इसीलिए यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग जो है की थी, जैसे कि मॉप वगैरह लिया था, वाइपर किचन के लिए, जो बास्केट्स वगैरह होती हैं वो ली थी। तो काफ़ी सारा मतलब कि सामान यहाँ से लिया था हमने, बहुत ही चीप रेट में मिल गया था, और क्वालिटी भी ठीक ठाक थी, क्योंकि जितनी देर के लिए हमें यूज़ करने के लिए यहाँ पे चाहिए, देखो 49 था, लेकिन स्टील यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं था। और कर्टेन भी हमने लिए थे दो, क्योंकि विंडो जो हमारे बेडरूम की है उसमें कर्टेन नहीं थे, तो हमने सोचा कि ले लेते हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादा है ना नेट वाले जो कर्टेन है वही चलते हैं। आज मैंने अपने कुछ प्लांट्स को भी समेटा है, कुछ तो ख़राब भी हुए हैं, गल गए थे, तो ये वाले कोलियस मैंने पानी में डाल दिए हैं, अभी थोड़े से ये इनकी रूट्स आ जाएं फिर लगाती हूँ। और आज गार्डन की सफाई भी चल रही है, यहाँ पे मैंने
तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी प्लांट्स में लेके आई थी यहाँ पे एक रो बना के लगा दिए हैं, तो बाद में इनको एडजस्ट करेंगे, जितने ग्रो हो जाएंगे तो उनको फिर उसी हिसाब से क्लीनिंग करके फिर हम यहाँ से अपना गार्डन बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे,